यहाँ पर ये चीज तो आप लोगों को बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं लगेगी, यहाँ पर बहुत सारे एमएमए बॉक्सिंग सेंटर खबीब के एरिया में आए हैं, तो आप लोगों को बॉक्सिंग एमएमए तो देखने ही मिलेगा। पूरे दागिस्तान रिपब्लिक की पॉपुलेशन सिर्फ 30 लाख है, लिटरली सिर्फ 30 लाख है। मुंबई में पॉपुलेशन भाई 2 करोड़ के करीब है। दे आर वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे होस्ट हैं। और ये चीज आप लोगों को हर जगह देखने मिलेगी यहाँ पर, कि कपड़ा कैसा पहनना है बस में बैठने के लिए, या फिर शॉपिंग मॉल जाना है, या फिर पब्लिक प्लेस पे घूमना है। खबीब क्या कर रहा है भाई, 500 रुपए की इतनी कॉफी, 530 रुपए की है भाई। मुझे लगा नहीं था कि दागिस्तान में भी थिएटर वगैरह रहेगा। बस जो चिचेनिया है दागिस्तान है, ये यूरोप में आता है, यूरोप का सबसे आखिरी कोना है। हेलो एवरीवन, तो स्वागत करता हूँ आप लोगों का एक नए वीडियो में और एक बहुत ही स्पेशल जगह में। आप लोगों ने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा रहेगा तो आप लोगों को जरूर मालूम होगा मैं कहाँ हूँ। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा है कि नहीं देखा है कि नहीं, क्योंकि आप लोगों को तब मालूम रहेगी सारी स्टोरी, मैं कहाँ पर हूँ, क्या कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं कैसे पहुँचाऊँ। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन इसके बाद ज़रूर देख लेना। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ दागिस्तान के कैपिटल माकाचाकला में, और दागिस्तान के बारे में तो आप लोगों ने कभी ना कभी सुना ही होगा, क्योंकि हाल ही में कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गया दागिस्तान, क्योंकि भाई यहाँ से जो यूएफसी फाइटर है, फेमस यूएफसी फाइटर खबीब इस्लाम मक्चेव, ये सारे लोग दागिस्तान से, इसलिए पिछले कुछ 4-5 सालों से दागिस्तान बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया। लेकिन ज़्यादा लोगों को दागिस्तान के बारे में मालूम नहीं है, तो तुम्हारा भाई पहुंच गया। मुझे भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी कि दागिस्तान होगा कैसा, कैसी जगह होगी। और अगर मैं अपनी पहले इंप्रेशन की बात करूँ ना यार, आप लोगों को चारों तरफ मेरे पीछे देख सकते हो पहाड़ देखने मिलेंगे, क्योंकि दागिस्तान का मतलब होता है लैंड ऑफ माउंटेंस। लिटरली जैसे मैं कल बस से आया चिचेनिया से दागिस्तान, तो जैसे ही मैं दागिस्तान एंटर किया पूरे पहाड़ आने लगे भाई, खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ देखने मिलेंगे। देखिए हम सिटी सेंटर में यहाँ पर माकाचाकला, लेकिन फिर भी आप लोगों को यहाँ पर पहाड़ देखने मिलेंगे। और अगर आप लोगों ने फिर से बोलता हूँ पिछला वीडियो देखा रहेगा तो आप लोगों को मालूम होगा कि मैं यहाँ पर होटल हॉस्टल में नहीं रुका हुआ हूँ, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ काउच सर्फिंग। इतने टाइम बाद काउच सर्फिंग कर रहा हूँ, और मेरे जो होस्ट है यार इतने ज़्यादा अच्छी हॉस्पिटैलिटी है। अभी मैं उनके साथ ही ब्रेकफास्ट करने आया हूँ, वो अंदर रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, मैं अपने होस्ट से भी आप लोगों को मिलाता हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला मेरा पहला इंप्रेशन दागिस्तान का। मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ भाई कि दागिस्तान होगा कैसा, कैसी कंट्री होगी, कैसे लोग होंगे, तो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे आज के वीडियो में। तो इस रेस्टोरेंट में हम आए हैं नाश्ता करने, भाई मुझे तो मालूम नहीं है जगह का नाम क्या है कैसा है। मैं सब बस सुबह उठा हूँ और इन्होंने बोला कि आपको बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट करवा के लाते हैं, यहाँ का कुछ तो ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट करें, उसका नाम मैं आप लोगों को बताता हूँ और दिखाता हूँ भाई क्या खाए हम लोग। और देखिए भाई यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत मॉस्क भी देखने मिलेगी। देखिए सामने एक मॉस्क है, क्योंकि यहाँ दागिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 90% के ऊपर ही जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है। अंदर जाता हूँ, थोड़ा बैठता हूँ, फिर आप लोगों को मिलाता हूँ और फिर सारा सफर हम स्टार्ट करेंगे, सारी चीज़ें दिखाऊंगा, बहुत ही मज़ा आने वाली है। यार जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि हम अंदर ब्रेकफास्ट करने आए हैं, यहाँ पर ब्रेकफास्ट तो बाद में दिखा दो, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने होस्ट से मिला देता हूँ। ये है हमारे होस्ट जो मैं जिनके यहाँ रुका हुआ हूँ, यानी मरियम कलिमात। तो दे आर वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे होस्ट हैं। और यार यू फ्रॉम दागिस्तान? दागिस्तान मैं क्या चकला यार। ओके, सो व्हाट यू डू बिजनेस? ग्राफिक डिजाइनिंग का इनका बिजनेस है। बहुत ही हॉस्पिटेबल लोग हैं, ये मेरे होस्ट हैं इनके यहाँ रुका हुआ, और ये उनकी बहन है, और इनके साथ मैं हम आए यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने, यहाँ पर ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट करवाया हमको। थैंक यू स्पसीबा, विल शो, थैंक यू सो मच फॉर हॉस्पिटैलिटी। मेरे को थोड़ा सा खराब लगने लगा कि भाई इतना ज़्यादा क्यों कर रहे, इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हैं मेरे लिए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फूड ट्रेडिशनल दागिस्तान? तो एक दूध वाली चाय थी और उसके साथ में ब्रेड था और चीज़ था, ये दागिस्तान का नेशनल ब्रेकफास्ट था, वो किए और उसके बाद कॉफ़ी वगैरह पिए, और फिर उसके बाद भी देख सकते हो कुछ थोड़ा सा बचा हुआ है खाना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा मंगा दिया था। तो अब यहाँ से खाते हैं फिर निकलेंगे थोड़े टाइम में यहाँ से बाहर। तो यार उस कैफ़े में थोड़ा टाइम बैठने के बाद मेरे होस्ट को थोड़ा सा काम आ गया था, कुछ मीटिंग वगैरह थी तो वो चले गए, और मैं आ गया वापस घर पे। देखिए पीछे जो घर देख रहे हो यहीं पे रुका हुआ जो मेरे होस्ट का घर है, और अब हम निकलते हैं एक्सप्लोर करने माकाचाकला दागिस्तान को, देखते हैं भाई दागिस्तान होगा कैसा। चिचेनिया से थोड़ा सा लगे आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े बंगले और थोड़ा अलग टाइप की वाइब देखने मिलेगी भाई। लिटरली लोगों के यहाँ पर घर इतने बड़े बड़े, ये घर ही देख सकते हो आप। और आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, ये जो सिटी है माकाचाकला दागिस्तान का कैपिटल, ये बिल्कुल पड़ता है कैस्पियन सी पे, तो यहाँ से बीच तकरीबन 1.5 किलोमीटर बीच है। तो सोच रहा हूँ चलते चलते हम चलते हैं बीच पे, वॉकिंग करते करते बीच पे चलते हैं, और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने दिखाने के लिए, यहाँ की सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे भाई, अभी तो दिन स्टार्ट हुआ है। और देखिए भाई यहाँ पर फिर एक और बड़ा सा बंगला, बड़ी सी गाड़ी। ये जगह के बारे में तो हम पहले 4-5 साल पहले सुने भी नहीं थे, और यहाँ पर ऐसा माहौल चल रहा है यार, कहीं भी जाओ दुनिया में वहाँ लोगों की लाइफस्टाइल काफ़ी तगड़ी सी है यार। ये लिटरली ये घर देखो भाई, खाली ये घर देखो,
ये देखो, ये पीछे वाला बंगला देखो, ये बंगला देखो, ये बंगला देखो, क्या बात है। तो यार एक चीज तो समझ गया, दागिस्तान में आप कहीं भी जाओगे आपको पहाड़ तो भाई चारों तरफ नजर घुमाओगे कहीं ना कहीं देखने ही मिलेगा, क्योंकि द लैंड ऑफ माउंटेन्स है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो इतनी ज्यादा क्राउड रोड पे नहीं देखने मिलेगा, मुश्किल से एक दो गाड़ियां यहाँ पर आ रही है, और बाकी रोड पे चलने वाले लोगों की आबादी देख सकते हो बिल्कुल भी नहीं है यार। लोगों को रोड पे चलने वाले लोग ही नहीं देखने मिलेंगे। और अगर इसकी साइज की बात करूं तो इसका साइज बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट जो पंजाब हमारा स्टेट है इंडिया का, बिल्कुल दागिस्तान और पंजाब एक ही साइज के हैं। पूरे दागिस्तान रिपब्लिक की पॉपुलेशन सिर्फ 30 लाख है, लिटरली सिर्फ 30 लाख है। मुंबई में पॉपुलेशन भाई 2 करोड़ के करीब है, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को इसलिए रोड पे लोग देखने नहीं मिलेंगे। और ये सबसे मेन सिटी है तो कैपिटल है, फिर भी एकदम खाली सा लगेगा भाई। घर में यार कितना दिखा दूं आप लोगों को यार, कितना यूनिक यूनिक बना के रखे हैं ये देखिए। गरीब से गरीब लोगों के पास भी अच्छा बड़ा बंगला है यहाँ पर, तो उससे सोच सकते हो यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल कैसी होगी। और एक एक घर के बाहर ना भाई बड़ी बड़ी लेक्सस, बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ होती है लैंड क्रूजर, ये देखिए सामने लेक्सस खड़ी है, वहाँ पर भी लेक्सस खड़ी है, वहाँ पर भी लेक्सस खड़ी है, वहाँ पर भी, और लैंड क्रूजर, और देखिए सामने भी लैंड क्रूजर खड़ी हुई है। यार ये देख के समझ ही सकते हो यहाँ के दागिस्तान के जो कैपिटल है माकाचाकला, यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल कैसी होती होगी। और ये सिर्फ यहाँ नहीं है, मतलब पूरे शहर में आप लोगों को ऐसा माहौल देखने मिलेगा। ये देखिए मेरे पीछे भी एक रेंज रोवर जा रही है भाई, क्या बात है। तो हमारा सफर कंटिन्यू रखते हैं बीच की तरफ, और वहाँ पर एक शायद हबीब का कैफे भी है, तो भी ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है। जैसा भी बनेगा आप लोग तो देख ही रहे हैं भाई। और जैसा कि आप लोगों को मैं चेचेनिया में दिखाया था, दागिस्तान का भी देखिए अपना एक अलग फ्लैग होता है। ये देखिए हरा ब्लू लाल वाला जो है ये दागिस्तान का फ्लैग है, और वो है रशिया का फ्लैग। तो यहाँ पर हर रिपब्लिक का एक अलग अलग अपना अपना फ्लैग रहता है। जैसा कि पहले भी आप लोगों को बताया था, रशिया के पास 21-22 रिपब्लिक है, और हर रिपब्लिक को रशिया ऐसा छूट दे के रखा है कि आप अपना फ्लैग रख सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन रख सकते हो, तो ऐसी छूट दे के रखा है। इसलिए आप लोगों को हर रिपब्लिक में अलग अलग फ्लैग देखने मिलेंगे। तातारस्तान का अलग फ्लैग था, चिचेनिया का अलग फ्लैग था, अभी आप लोगों को दिखाया है दागिस्तान का अलग फ्लैग है, ऐसा कुछ सिस्टम है। तो देखिए हम इस रोड से हैं, ये रोड तो काफ़ी खाली साथ आप लोगों को दिखाया मैं, इस रोड पे आप लोगों को थोड़े से लोग देखने मिलेंगे। और वहाँ पर अंदर ये जो गेट देख रहे हो यहाँ पर मार्केट भी है, तो सोचा ना थोड़ा सा आप लोगों को मार्केट दिखा दूँ। और यहाँ का आप नज़ारा देख सकते हो यार, मतलब काफ़ी ठीक ठाक, काफ़ी ज़्यादा अच्छी सिटी है। तो चलते हैं थोड़ा सा मार्केट में आप लोगों को दिखाता हूँ, देखते हैं क्या देखने मिलता है यहाँ की मार्केट में, फिर हम निकलेंगे, हमारा सफ़र कंटिन्यू करेंगे। तो यार ये मार्केट तो नहीं, वहाँ पर स्कूल है, और ये बच्चे लोग के जो कपड़ा ड्रेस बैग वगैरह रहता है उसकी दुकानें हैं यहाँ पर, ये मार्केट नहीं है। ये देखिए स्कूल के बैग बुक्स वगैरह आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेगी, ये दागिस्तान का झंडा है, और कुछ स्पेशल चीज़ नहीं है भाई। मैं तो सोचा था कि भाई मार्केट है, मार्केट दिखाऊंगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी ठीक है यार, बहुत सारे बैग टांग के रखे हैं। तो चलिए यहाँ तो हमारा काम नहीं है भाई, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये है यहाँ की लोकल बस। रशिया के बहुत सारे रीजन पे आप लोगों को बड़ी बस देखने नहीं मिलेगी, यहाँ की देखिए लोकल बस ऐसी छोटी सी माशरूटका टाइप होती है, आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा रहेगा तो आपको मालूम होगा। और यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ ये देखिए कि यहाँ पर चलने की जगह अलग है, और जो इलेक्ट्रिक स्कूटर वगैरह होता है उसकी जगह अलग बना के रखे हैं यार। ये चीज़ आप लोगों को हर जगह देखने मिलेगी यहाँ पर, कि कपड़ा कैसा पहनना है बस में बैठने के लिए, या फिर शॉपिंग मॉल जाना है, या फिर पब्लिक प्लेस पे घूमना है, तो आप ऐसा मतलब स्कर्ट वगैरह छोटी चड्डी वगैरह नहीं पहन सकते हो, यहाँ आप लोगों को फुली कवर रहना पड़ेगा। यहाँ पर दागिस्तान में हर जगह ऐसा ही सीन था यहाँ पे। और आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, जो चिचेनिया है, दागिस्तान है, ये यूरोप में आता है, यूरोप का सबसे आखिरी कोना है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर यूरोपियन वाइब भी आएगी। जाहिर सी बात है यूरोप में रहेंगे तो ऐसा वाइब तो आना ही है। देखिए ऐसे रेस्टोरेंट कैफेज चौहरे देख सकते हो, शहर के बिल्कुल बीच में इतना बड़ा सा पार्क बना के रखे हैं, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा लोग यहाँ पर देखने ही नहीं मिलेंगे। और यहाँ देखिए बच्चे लोगों को खेलने के लिए भी इंतजाम किया गया है सारा, और यहाँ पर आप देख सकते हो छोटी सी जिम भी बनाई है, क्योंकि भाई लोग यहाँ पर जिम वगैरह बहुत करते हैं, रेसलर इतने सारे यहाँ से निकलते हैं भाई, आप समझ ही सकते हो। तो यहाँ पार्क में दो दागिस्तानी आदमी को बैठा के रखे हैं, और कितना रियलिस्टिक स्ट्रक्चर बनाया है यार, ये देखिए फेस वगैरह का एक्सप्रेशन भी कितने सेम है। क्या चाचा क्या बातचीत चल रही है यार। वो पार्क के बिल्कुल बाहर वाले साइड पे यहाँ पर आप लोगों को एक मेमोरियल देखने मिलेगा, वर्ल्ड वॉर टू में जो लोग जान गंवाए थे उसके लिए ये मेमोरियल बनाया गया है। और वहाँ पर रशियन में वो लिखा हुआ है कि भाई तुम जिंदा हो तो भूलो मत कि कौन कौन इतनी मेहनत किए थे तुम्हारी आज़ादी के लिए। ऐसा मेमोरियल पूरे रशिया में हर जगह देखने मिलेगा, हर रिपब्लिक में देखने मिलेगा। और यहाँ पर जो आप सारी दीवारों पे नाम देख रहे हो, ये दागिस्तानी लोग थे जो वर्ल्ड वॉर में अपनी जान गंवाए थे, तो हर रिपब्लिक में अपने उस सोल्जर को थोड़ा सा याद रखने के लिए ये सारा कुछ ऐसा कुछ किया जाता है। देख सकते हो गुलाब रखा हुआ है, और ये आग हरदम जलती रहती है भाई, रात रहे, दिन रहे, सुबह रहे, शाम रहे, ये कभी नहीं बुझती है, कितने साल से ऐसी जल रही है। और ये देखिए एक स्टैचू भी बना हुआ है यहाँ पर, और ये देखिए पूरा सारे नाम लिखे हुए हैं, ये वर्ल्ड वॉर टू 1917 की डेट वगैरह सारा ऐसा कुछ सीन है। सिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन यार आप लोगों को यहाँ पर लोग ही नहीं देखने मिलेंगे। मैं गलत टाइम पे निकल गया हूँ कि क्या हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो
हम अकेले ही एक्सप्लोर करते हैं। तो देखिए भाई, चलते चलते एक शोरमे की दुकान मिली। 100 रुपए का, 120 रुपए का शोरमा मिल रहा है यहाँ पर। तो मैं रुक गया, मतलब भाई एक शोरमा खाते खाते चलते हैं यहाँ पे, क्योंकि भाई यहाँ पे जो प्राइस है वो काफी सस्ता है भाई। 100 रुपए में शोरमा मिल रहा है, जो कि इंडिया के होते हैं 80 रुपए, तो ठीक है यार, सिमिलर प्राइस है इंडिया के। तो यहाँ से मैं एक ऑर्डर कर दिया हूँ, शोरमा खाते हैं फिर स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी फिर से। तो ये देखो भाई, साइज तो काफी ठीक ठाक है यार, 100 रुपए के शोरमे के हिसाब से। चलते चलते हम एक स्क्वायर की तरफ आ गए और यहाँ पर आप लोगों को व्लादिमीर लेनिन की फोटो देखने मिलेगी। क्या बात है यार, मुझे लगा नहीं था कि इस पार्ट में भी व्लादिमीर लेनिन की फोटो देखने मिलेगी। भाई धूप इस तरफ से आ रही है इसलिए प्रॉपर दिख रहा नहीं है। और इस तरफ ब्लू कलर का सेम डोम देख सकते हो, एक इधर पे और एक इस तरफ है, लेकिन ये वाला जो है ये इस्लामी के आप ऊपर देख सकते हो चांद बना हुआ है, और इस तरफ देखिए क्रॉस है। तो इसका मतलब मेरा ख्याल ये है कि यहाँ पर दोनों रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं, जबकि 92% जो पॉपुलेशन है दागिस्तान की वो मुसलमान है और कुछ 7-8% क्रिश्चियन है। फिर भी यहाँ पर वो डोम बनाया गया है क्रिश्चियन डोम। और यहाँ देखिए भाई, दागिस्तान के लोग कुछ ऐसे दिखते हैं, ट्रेडिशनल दागिस्तान के लोग। ये कुछ हिस्टोरिक चीज है, ये जो टोपी देख रहे हो ना आप, दागिस्तान के लोग कोई भी रहे, मुसलमान रहे क्रिश्चियन रहे, ये टोपी जरूर पहनते हैं। और ये वाली तो आप इनकी तो ट्रेडिशनल टोपी है, जैसे कि खबीब वगैरह पहनते हैं, ये इससे थोड़ी सी अलग है। और ये देखिए भाई, सोवियत की झलक। ये कुछ तो पक्का गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, कोई आके रोक ना दे। उससे पहले हम चलते हैं बीच की तरफ। तो यार दागिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वगैरह देख के आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगेगा आप दागिस्तान में हो, जब तक कि आप लोगों को ना देखे। जब आप यहाँ के लोग को देखते हो, मतलब आप लोगों को समझ में आ जाती है कि भाई हाँ मैं दागिस्तान में हूँ, नहीं तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि आप दागिस्तान में। ऐसा लगेगा कि मॉस्को में हो या फिर कोई दूसरी सिटी में हो। सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी है, बस जो लोग हैं, जो लेडीज़ हैं नकाब बुरका पहनते हैं, और जो आदमी होते हैं वो दाढ़ी वगैरह रखते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 100% ऐसे करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो यहाँ पर है वो आप लोगों को वैसे ही देखने मिलेंगे यहाँ पर। ये चीज़ तो आप लोगों को बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं लगेगी, यहाँ पर बहुत सारे MMA बॉक्सिंग सेंटर और जिम वगैरह जहाँ पर MMA सिखाते हैं वो तो जाहिर सी बात है देखने ही मिलेगा। भाई हबीब के एरिया में आए हैं तो आप लोगों को बॉक्सिंग MMA तो देखने ही मिलेगा। जगह जगह पे आप लोगों को वैसे जैसे फोटो दिखाया ना, वैसे जिम है, वैसे MMA सेंटर है, तो जाहिर सी बात है। और यहाँ दूर पे आप लोगों को शायद नजर ना आए, ये देखिए वो है कैस्पियन सी। हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं समुंदर के पास में, और समुंदर तक जाने के लिए हमको ऐसे नीचे जाना पड़ रहा है। भाई देखिए ये कितना स्लोप पे ऊपर है, और यहाँ पूरा नीचे होके हमको समुंदर की तरफ जाना है, तो समुंदर काफी नीचे वाली जगह पे है। तो यार अब आप आ गए हैं मका चाकला के सबसे ज्यादा जो मेन पॉइंट है वहां पर आ गए हैं। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे खूबसूरत कैफेज देखने मिलेंगे। बस इधर ही बीच है, तकरीबन 200 मीटर दूर बीच होगी, लेकिन मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल जगह लेके जाने वाला हूँ। यहाँ पर बहुत सारे कैफेज तो हैं, यहाँ पर एक स्पेशल कैफे है, क्योंकि वो कैफे है खबीब का। ये देखिए ये वाला जो सामने कैफे देख रहे हो, ये देखिए ये जो कैफे देख रहे हो पापा खा, ये आप लोगों को पूरे दागिस्तान में हर जगह देखने मिलेगा। और यहाँ पर आप लोगों को कॉफ़ी भी मिलेगी, कॉकेशियन जो यहाँ का रीजन है, यहाँ के रीजन का खाना भी देखने मिलेगा। और ये जो है कैफे, ये खबीब का है, तो हम भी ट्राई करेंगे। मेन्यू तो मैं देखा ऑनलाइन बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। मतलब अगर मैं दूसरा ले कैफे में जाऊँगा तो मुझे 200 में चीज़ मिलेगी, मैं अगर इस कैफे में जाऊँगा तो मुझे 500 की चीज़ मिलेगी। लेकिन एक अभी आए हैं तो भाई एक बार एक्सपीरियंस करना बनता ही है, तो चलते हैं पापा कैफे और देखते हैं भाई यहाँ क्या देखने मिलेगा। भाई खबीब के कैफे में खबीब की फ़ोटो की जगह चाचा की फ़ोटो भी लगी हुई है। तो ऐसा कुछ दिखता है खबीब का कैफे अंदर से। ये कॉफ़ी लिया है, पता नहीं क्या नाम था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, 500 रुपये की भाई आप देख सकते हो, और कुछ खास दिख रही नहीं है। पापा खा कॉफ़ी से लिया हूँ, बस खबीब का नाम था इसलिए लिया हूँ, और अभी तक कुछ पिया नहीं हूँ भैया, इतनी दिए थे, बिल्कुल इतनी दिए थे, तो बस खबीब के नाम पे ले लिया। और यहाँ भी बहुत सारे छोटे छोटे कैफेज हैं, अच्छे अच्छे सस्ते, लेकिन ये देख सकते हो भाई खबीब क्या कर रहा है भाई, 500 रुपये की इतनी कॉफ़ी, 530 रुपये की है भाई, 500 की भी नहीं है, 530 की है, वो भी आधी सी है। देखिए स्टारबक्स मिल जाता भाई इससे 100-200 रुपये कम में स्टारबक्स मिल जाता, तो खबीब के नाम पे सिर्फ गए थे। और देखिए ना यहाँ पर भी कॉफ़ी शॉप है सारी सस्ती भाई, हर जगह हो गया अब तो, दुनिया में कहीं भी जाओ आप लोगों को इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने मिलेगी। और यहाँ पर देखिए भाई, मुझे लगा नहीं था कि दागिस्तान में भी थिएटर वगैरह रहेगा, देख सकते हो यहाँ भी थिएटर है, पिक्चर भी लगी हुई है, और यहाँ ड्रामा वगैरह भी होता है। और नीचे बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हो बॉलीवुड का मैच चल रहा है यार, मतलब जज वगैरह भी बैठे हुए हैं, गाना वाना वगैरह लगाने का भी इंतजाम है। ये शहर है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा, लेकिन कुछ ज़्यादा स्पेशल कुछ करने के लिए है नहीं, जैसे नॉर्मल सिटी में लाइव होती है, लोग यहाँ पर वॉलीबॉल खेल रहे हैं, थिएटर है यहाँ पर, बहुत अच्छे अच्छे कैफेज है, सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगी, लेकिन आप लोगों को कुछ ऐसा मतलब स्पेशल चीज़ देखने नहीं मिलेगी। अब चलते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को बीच दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या प्लान बनता है, उसके बाद कुछ मिलता है कि भी नहीं यहाँ पर करने के लिए। सामने बीच आ गई है, देखिए शायद आप लोगों को दिखे, ये देखिए वो देखिए वहाँ पर सारे लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं, हम वहाँ पर थे, वहाँ से हम आ गए बीच की तरफ। आप देख सकते हो आप लोगों को पहली झलक मिल गई होगी कैस्पियन सी की, हमको तो जाना है बीच पे, लेकिन आप देख सकते हो बीच में एक रेलवे ट्रैक बना हुआ है, तो अब उधर जाने के लिए यहाँ पर ब्रिज बनी हुई है, ब्रिज क्रॉस करके हम चलते हैं उस तरफ। और देखिए वहीं पर दूर पे
यहाँ का रेलवे स्टेशन भी है मकाचाकला का रेलवे स्टेशन। तो अगर आप ट्रेन से आओगे मॉस्को से तो आप यहीं पे उतरोगे बीच के बिल्कुल एकदम सामने, कैस्पियन सी। आप लोगों ने कैस्पियन सी का नाम तो हम जरूर सुने ही होंगे। तो चलते हैं आप बीच पे देखते हैं, मुझे लग रहा नहीं यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ करने के लिए होगा। अगर नहाना है तो आप नहा सकते हो, बाकी मुझे कुछ ऐसे दुकान वगैरह तो दिख रही नहीं है। और मेरे होस्ट ने भी बोला था कि भाई मकाचाकला जो सिटी है वहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए, बस थोड़े कैफे वगैरह है, कॉफ़ी वगैरह पी सकते हो, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं और ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं है करने के लिए। तो हम कल कोशिश करेंगे कि भाई हम पहाड़ों पर निकल जाएँ, यहाँ के गाँव वगैरह पर निकल जाएँ। तो देखते हैं क्या प्लान बनता है। और देखिए पुराना सा रेलवे ब्रिज, और ये भी स्टेशन है मेरा ख्याल है, और उधर भी एक स्टेशन बना हुआ है। और ऐसा देखिए नीचे सामान वगैरह बेचने के लिए। तो यहाँ पर मुझे पहली पुरानी बिल्डिंग देखने मिली है सोवियत टाइम की, ये पक्का 7-70 साल तो पुरानी होगी होगी। तो चलते हैं ब्रिज क्रॉस करके हम उस तरफ। ये ब्रिज भी तो ब्रिज भी काफ़ी पुराना सा है। और ब्रिज भी देख सकते हो आप काफ़ी पुराना सा है, समुंदर के एकदम बराबर साथ में। बीच पे हमारी एंट्री हो रही है, और यहाँ पर इस बीच पे आप लोगों को दारू वगैरह देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई हम हैं दागेस्तान में, यहाँ पर अल्कोहल बैन है। यहाँ पर अल्कोहल शायद हो सकता है कोई स्पेसिफिक जगह पे मिले, लेकिन आप लोगों को हर जगह ओपन में नहीं मिलेगा। और ऐसी कुछ बीच यार काफ़ी ठीक ठाक लग रही है। देखिए यहाँ पर सारे सामान वगैरह की, कॉफ़ी वगैरह की दुकान भी है सामान खरीदने के लिए। ये बस स्टॉप क्यों बना हुआ है यार, बस स्टॉप दिख रहा है, क्या बात है। तो यार ज़्यादा कुछ खास बीच नहीं है, जैसी नॉर्मल बीच होती है वैसे ही नहाने के लिए थोड़ा सा इंतज़ाम बनाया गया है, थोड़ा सा खाने पीने का इंतज़ाम है। लेकिन अपने जूँ बीच जैसी बीच नहीं है, थोड़ी सी साफ है लेकिन अपने जूँ जैसी नहीं है। फिर भी थोड़ा सा देखने के बाद मैं बाहर निकल गया। देखिए वहीं पर यार धूप 40 डिग्री, भाई ऐसा लग रहा है कि कोई ऊपर सर पर भट्टी रख दी, इतना गर्म हो रहा है। अभी जो यहाँ का वेदर है ना, रशिया का सबसे गर्म वेदर चल रहा है, बहुत गर्मी हो रही है। तो ज़्यादा कुछ था नहीं करने के लिए, इसलिए मैं बोला भाई चलते हैं वापस हमारे होस्ट घर पे, और देखते हैं फिर क्या प्लान बनता है सारा कुछ। अभी देख सकते हो 4 बज रहे हैं भाई, धूप बहुत तेज है, 40 डिग्री टेम्परेचर है। तो यार वापस आ गए हम हमारे होस्ट घर पे। यार अंगूर इतना सारा है ना यहाँ पर, शाम का नाश्ता तो मेरा यही होने वाला है, अंगूर एकदम फ्रेश यार, तोड़ सकते हैं। देखिए ये कितने फ्रेश लग रहे हैं, और एकदम पके हुए हैं, कच्चे भी नहीं है। जो सेब है ये मेरा ख्याल है सेब है, देखिए ये सेब है लेकिन ये अभी कच्चा है, ये पका नहीं है। और वहाँ पर मुर्गी है, वहाँ पर बहुत सारे मुर्गी बिल्ली और अलग अलग टाइप के पेड़ आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेंगे। तो यार बहुत ही अच्छा घर है, जैसे गांव के घर होते हैं वहाँ, यहाँ शहर में वैसे घर आप लोगों को देखने मिलेंगे। और आप लोगों को मैं मकाचाकला का थोड़ा सा व्यू दे दिए हूँ, क्योंकि भाई यहाँ इस सिटी में ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, बस क्यूरियोसिटी थी कि भाई दागेस्तान का कैपिटल कैसा होगा, तो थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दिया, आप लोगों को भी आइडिया मिल गया होगा कि मकाचाकला दागेस्तान का कैपिटल कैसा है। कल मैं कोशिश करूंगा यहाँ के गाँव की तरफ जाने के लिए, पहाड़ों पर चलेंगे हम, देखते हैं भाई वहाँ कैसा सीन है, और पॉसिबल हुआ तो हम खबीब के गाँव भी जाएंगे, देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि गाँव उसका बहुत ज़्यादा दूर है। तो हम ट्राई करेंगे भाई, ट्राई करने में जाता ही क्या है। तो ये वीडियो तो भाई बहुत ही छोटा बना होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, मकाचाकला में इतनी सारी चीज़ें थी देखने के लिए। तो ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं, होप आप लोगों को ठीक ठाक लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करो। मिलते हैं भाई दागेस्तान के गाँव में।